सर सर ये क्या रोटियां लेके जा रहे हैं? नहीं रोटियां नहीं है, ये जेवर है भाई, ये निकालनी गाड़ी, जेवर है ये। किसका जेवर? कड़े हैं कड़े। किसका है? मेहरान के हैं, अभी आपको वहाँ ले जाके दिखाते हैं। सर आपने तो कहा था मंडे को बनेगी ये। सर अभी आखिरी छापा मारने जा रहे हैं, सुबह से 3 दफा जा चुका हूँ आपको बगैर बताए, जुमे से पहले, जुमे के बाद, उसके बाद। अच्छा। तो मैंने प्रेशर बड़ा डाला उनके ऊपर के लेके जाना है, 5 बजे का वादा था, फिर 6 बजे हुआ, फिर फोन आया कि 6:20 पे आ जाए, तो अब 6:20 पे हम निकल रहे हैं। व्यवस्था रहे शेजर से, मैं बेसिकली जा इसलिए रहा हूँ कि अगर आज हमें मिल जाती है ना तो अभी उसके टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे बहुत से, तो एक दफा लेके निकालूंगा, घर लेके आऊंगा, फिर पता लगेगा। बट मैंने आज सुबह जाके देखी है, वो उन्होंने जो डिगी में था ना, जो हौदा शौदा जिसको पेंट किया, बेहतरीन हो गई, बड़ी बात है। और गाड़ी के टायर लगने के बाद गाड़ी के टायर का ग्रूव नजर आया, पहले तो हर वक्त बैठा रहता था ना, तो बहुत ही अच्छा। इसमें व्हील कप भी आ गए और कड़े भी आ गए। कड़े जो होते हैं वो पुराने जमाने में ना व्हील कप होते थे, वो बड़े अच्छे चलते थे और मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मैंने वो करोला की जो बनाई थी ना अपनी पुरानी वाली, उसमें भी डाले थे। ये हमारी गाड़ी देखा, म्यूजिक देती है। अच्छा सर ये वही करोला है जो मेरे से हरी थी जी? आज करनी है दोबारा? मैं कह रहा हूँ जिस टाइम मर्जी कर, ओपन चैलेंज है। आपने वो जो क्लिक बेट के लिए आपने आपको रेस जिताई और बड़ा आपने उसको मजबूर किया, हर जगह डाली है, मेरा ओपन चैलेंज है पूरी कम्युनिटी के सामने, जितने मर्जी बंदे बुला लें अपनी गाड़ी में, जो मर्जी करा लें, ना हरा हूँ तो ये गाड़ी आपकी। चले सर ये अब मैं आप ये रेस लगानी तो दुबई। सब लोगों ने आपकी बहादुरी वैसे देख ली है लैम्बोर्गिनी वाले ब्लॉग में, मुझे मशहूर किया था ना कि मैं बहुत डरता हूँ, आपकी बहादुरी नजर आई है। सर कुछ खिला दें, सुबह से भूखा पड़ा हूँ। आपके मेरी जिंदगी में खिला दे वाला काम जो है ना, ये बड़ा मसला चल रहा है, बड़े अरसे से हम जो है वो आज तक वो नहीं खा सके, तो उसे अब हम आपको मेन मार्केट से पराठा खिला देते हैं या कोई और चीज हाजिर खिला देते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। हम इसको बाहर ही खड़ी कर लेते हैं, अंदर पैदल चलते हैं, थोड़ा सरप्राइज विजिट मारते हैं। सरेआम की टीम आ रही है। हां टीम सरेआम, क्योंकि उन्होंने सुबह से हमारा काम नहीं किया, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये देख रहे हैं पुलिस आईडी काट दी उसने, ये भी ऑल्टो है। वो देखें सर किधर है, कंपाउंड होके तैयार खड़ी है गाड़ी, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या जो वादा किया वो वफा हो गया। ओ हो 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 हो, रेडी है सर? क्या बात है सर, फाद भाई की रेडी है? फाद भाई कंपाउंड पॉलिश भी होगी है थोड़ा, ये तो इतने तो रहेंगे वो तो उसके अंदर वो हैं, लेकिन ये देखें ना शाइन देखिए इतनी आला हो गई। क्या बात है, दरवाजे पे निशान फेर के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ ये भी ठीक हो गया, चीटें भी लग गई, देखें फेयरिंग भी हो गया है, ब्रांड न्यू हो गई है फेयरिंग, स्टीयरिंग। हाँ और ये मीटर वही वाला है, ये इसके ये भी ये भी अरेंज कर लेंगे ना। हाँ। कुछ तो अभी टीथिंग में आएंगे ना प्रॉब्लम। डिग्गी दिखाएं ना, डिग्गी के अंदर देखें, मुझे कल सारा गंदा था वो देखें सारा। क्या बात है, ओहो ये तो बाकी वो लग रहा है जैसे जब सुजुकी पे लेने जाते हैं ना गाड़ी, ब्रांड न्यू आती है। मैं 2012 में ली थी मेरान ब्रांड न्यू। अच्छा मैं निकल भाई के साथ गया, उसने ही कहा कि ये ले लो। अच्छा उससे पहले मैंने मेरान शायद ही मेरे ख्याल से चलाई हो, तो डब्बा भी होगा एक और छोटा, वो व्हील कप है, ये भाई ये व्हील कप, ये तड़े ये भी लगाने और व्हील कप भी लगाने। ओह माय गॉड, फैन तुसी लाओ ना, इधर से लिखा है इसका सेम ही है ना, 12 इंच है। आते नहीं लगाते थे लोग, फैशन होता था। फैन काट दो इन्नू, नहीं सर वो छुरी ले आके पूरा वो कैंची ले आ गया, लाइटर है तो ले आ गया, कट ले आ गया। हां ये आ भी करिए जी। अच्छा ये क्या है सर, ये बड़ा डे ये लॉक होता है, अभी हम इसको लगाएंगे। ये मतलब आपने इसलिए के दिल्ली पास आए तो कटर दे, अभी आप गाड़ी के टायर अभी दिखाएं और उसकी लुक दिखाएं, जब ये लगेगी तो गाड़ी की लुक चेक करना क्या होगी सर। ये तो मैं फोटो भी ले लेता हूँ साथ साथ, भाई कह रहे हैं हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। फरहान साहब जरा पूछ ले कौन सी एंडिंग करा रहा है, केड़ी दस ना केड़ी एंडिंग होनी है, एंडिंग केड़ी होनी दस सही। हैप्पी एंडिंग बात थोड़ी कर रही है। अच्छा ये देखा, ये अभी ब्रांड न्यू बन के ऐसा है जैसे पुराना पुराना सा है। ये क्या है? ये व्हील कप है सर इसके चारों। ये क्यों इतना पुराने ओल्ड ओल्ड लोग आए ना, जरा लगाएं इधर यार, ये कड़े तो देखे इधर ही है, कड़े लगने लगाएं लगाएं सर, इधर आए ना जरा हेल्प कराएं। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं,
लगे 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 क्या बात है शुभाला भाई जिंदाबाद। उधर अब साथ मैं दूसरा भी लगाता हूँ। सर जरा वो अलाइन करके लगाए ना कोई। अच्छा ये आपने उसके नटों के साथ अलाइन करके लगाए जी सर। अब ये देखिए क्या बात है सर ये बैड एस जरा वो बना दिए ना सुजुकी आपने लोगो। वो आगे जो लोगो था वो बैड एस नहीं था। बाकी दो किधर गए? ये बस थोड़ी पित-पुत है बाकी ठीक है। ये है बट इसको अगर पेंट कराए तो फिर जेन्युइन नहीं रहने देना। जेन्युइन ये जो निशान है उसको कैसे सही करना विंड स्क्रीन पे ये कैसे सही हुआ? ये पॉलिश करा दो स्क्रीन लग रही है। सर वो कलमी छलमे चढ़को छड़को पे लग रही है। यहाँ पे बैठने की जगह पे पैर मार मार के देखना क्या किया। मेरी गाड़ी कितनी खूबसूरत। आप जब पीछे आएंगे ना करोला पे तो मूविंग शॉट्स भी बना लेना। सर मैं मुझे ये शर्फ हासिल देना। ना ना अच्छा लेकर कौन आया था? आप विले से मिले हुए आप चक्रों में के बारो बार क्योंकि एक दफा दरवाजा अंदर। अच्छा वो डैशबोर्ड नया वाला लगा दिया था सर। इसके ऑटो वो पायदान तो ऑर्डर कर ले ऑटो पार्ट से लगे तो हुए हैं। नहीं नहीं पायदान 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 इसको बोलते हैं। नहीं सर इसको मैट्स इसको क्या बोलते हैं? चिकन मैट बोलते हैं इसको। हाँ इसको मड फ्लैप बोलते हैं। पायदान अभी जो आप कह रहे हैं मैट्स अंदर। हाँ जी हाँ जी डाल लेते हैं पड़े हुए घर पे। ब्रांड यस क्या बात है ऑलवेज अवेलेबल स्टॉक रखा हुआ है। तो ये तो पेंट कर रहे हैं खराब नहीं हो जाएगा दोबारा? अभी बंद पहले भी पेंट ही था खराब नहीं होगा। उसमें पैर मारते हैं तो खराब हो जाएगा। नहीं दरवाजे से नहीं होता ये पैर से खराब होता है। इधर आने ड्राइविंग साइड की दिखाता हूँ आपको। तो अब इसका क्या रह गया? रेस्टोरेशन कंप्लीट है ये देखें। अब नहीं अभी चलाऊंगा देखूंगा वो टीथिंग करूंगा इसमें कोई ऑडियो सिस्टम लगेगा। ऑडियो सिस्टम इसका पहले था वो किधर गया? वो फेंक दिया था वो पूजो वाला जो था वो खुदा का वो खौफ करें यार। क्या वो सही था? बिल्कुल फारक था। गियर नॉब भी नहीं लगानी वो बिल्कुल गंजी है। चले लाए जी लाए यार ये सस्पेंशन जो नीचे ना चमक रही होनी चाहिए तो आई नहीं तो ऑन कर। पेट्रोल डालने लगे ताकि आप सड़क पर जलील ना हो। वैसे तो साथ दूसरे प्लॉट में पेट्रोल पंप है। इसके अंदर तो आधा टैंक था हैं? आधा से फुल टैंक था ऑलमोस्ट। कितने का? जिले कह रहा था। जिले तो बहुत कुछ कह रहा था तो कहता गाड़ी भी नहीं है तो फुल नहीं था यार। उसकी तो सुई पता नहीं चलती थी कि नहीं चलती थी। प्लस वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी हो तो पेट्रोल यूज हो ही जाता है। नहीं 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 इधर वो डंडी वाला काम नहीं होता। नहीं नहीं मैं डंडी नहीं कह रहा यार। तो फौरन दिल से ले गए हैं अंदर था तेरा चोर बोल रहे हैं। मैं क्या तू खा गए सर? मैं क्या स्टार्ट होती है काम होते हैं। अच्छा स्टिकर भी आ रहे हैं वो ब्यूटीफुल सुजुकी। ये थोड़ा साफ होने वाला है। इसको भी एक मिनट अंदर कपड़ा मारना है। ये गंदा है इसको ना अंदर से टाकी मारनी पेट्रोल वाली। यूरो 2 कर रहे हैं सर? यूरो 2 कर रहे हैं हम इसको कर ले। वो मोटरसाइकिल भी पाकिस्तान में इस तरह ही यूरो 2 चल रहे हैं कब से आ रहा है। वैसे फहद भाई का जो मोटरसाइकिल अगर आप देख लेंगे आपकी सोच है किधर है। और एक गाड़ी भी है फहद भाई ने बहुत संभाल के रखी हुई। इनका भी रिव्यू बनाना है। माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए हम यूरो 2 कर रहे हैं। हाँ जी स्टिकर की हद तक। अभी निकल के उसको फुल भी कराते ना। पेट्रोल फुल कराते? उसने तो जिंदगी में कभी मेरा ख्याल 50 रुपये से ऊपर नहीं डाला। होता किधर है? मेरे ख्याल यूरो 2 इधर कहीं होता है। पार्क व्हील खोलने ऐड लगा हुआ कोई गाड़ी का। इधर ही लगा दे लगा दे लगा दे। कपड़ों पे कोई आती है ना फ्यूम निकल गया काला। वो वाकई कालक निकली है। अच्छी कालक निकली ना। इतनी कालक क्यों निकली है? नहीं फाज भाई इतनी कालक क्यों निकली है? खिदमत कर रहे हैं।
ओए देख लेना शिबाज की लाला हाथ ना हाल ला। जब भी आए ये वर्कशॉप वाले एक ही चीज को जुड़े होते हैं, बाद भाई को नहीं, ये गाड़ी को या एक गाड़ी को या एक बंदे को, भाई जो आते हैं उसी गाड़ी को जुड़ते हैं। अभी तो फिलहाल बॉस को जुड़े हैं, फाद भाई के कपड़े गंदे कर दिए आपकी गाड़ी ने। साढ़े होने संघ जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। देखा ना आपने कहा था कि सुनील साहब घर जाके खुद गाड़ी धोने के लिए स्टार्ट करेंगे, मुंह काला होगा। वाह ये कहते हैं नसीब की, ये टाइट उधर से दिल्ली को ना कहते हैं कि देखे कि एग्जॉस्ट में से क्या निकल रहा है और स्टार्ट कर देते दिल्ली के ऊपर वो लग जाएगा जिसने मेरे पास लगा था ना रेस के ऊपर। सर एक मिनट चले, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप उसको गाड़ी दिखाएंगे ना उसके रिएक्शन की एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करना और वो हंसेगा, लेकिन हंसने चेहरे में मतलब नहीं होता, दुख नहीं होता, मुसीबत स्टोरी क्योंकि इसको देख के उसको पता लगेगा कि यार मेरे पास ये गाड़ी होती थी इतनी खूबसूरत, मैं उसको इस पॉइंट पे लेके आऊंगा कि वो देख के परेशान हो जाएगा। आप रुलाएंगे उसे? रुलाएंगे क्या, अजीब बात है, रुलाएंगे। अच्छा मीटर में व्हाइट लाइट लगाई वो भी नहीं अच्छी लगती, लगन लगी वो है ना अपना। आ, ये मीटर में व्हाइट ये भी सही कराएंगे, जेन्युइन करा देंगे उसको, हर चीज जेन्युइन होनी चाहिए। अच्छा वैसे थोड़ी थोड़ी जा रहे ताकि पता लग जाए गाड़ी, थोड़ी थोड़ी फील आ रही है। हां थोड़ी थोड़ी फील आ रही है बड़ी नई नई गाड़ी वाली, खूबसूरत लग रही है कि नहीं लग रही? माशाल्लाह बाकी ये लग रहा है नई गाड़ी जा रही भाई। पहले बम्पर से सर कितना फर्क पड़ता है वैसे? बम्पर लाइट सबसे फर्क पड़ता है। हां बहुत फर्क पड़ता है। पहले वाली वीडियो अच्छी लग रही है, ये नहीं अच्छी लग रही? अच्छा ये चीज पहले बारिश में डूबी हुई थी, पहले बारिश में डूबी हुई थी ना, आपने देखी थी? कहां देखी थी? आपने चैनल सब्सक्राइब किया वैसे देखते रहते हैं सारों को, गए सब्सक्राइब करें बहुत अच्छा चैनल है, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करिएगा भाई का, और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें, ना तो इनको प्रेस कर दें हैप्पी एंडिंग को। आसिफ भाई ने जिंदगी में अपना नाम जो है ना हमारी उम्मीदों से उजागर किया है, हमने पिछली वीडियो आगे बताया नहीं था, हमने वीडियो में जाए कहा था कि इसने फ्राइडे का ये गाड़ी मंडे से पहले नहीं देखा, लेकिन आपने ऐसी चपेट मारी है मुंह में मेरा और फ्रांस साहब के, आवाज दूर तक गई है गूंज, और ये ऐसी चपेटे हम हर दफा खाना चाहेंगे आपसे। नहीं सर कोरोना का डेट कब निकाल रहे हैं सर जी? आप देख ले कल दे दे, कल दे दे। और होंडा का लॉक? होंडा का लॉक बड़ा अच्छा लड़का है, कोई लेबर नहीं लेता, फ्री में काम करता है, सदके जारिया के तौर पे किसी ने भी सारे कह रहे थे वर्कशॉप का नाम और एड्रेस बता। गुलबर्ग ऑटो, गुलबर्ग ऑटो नाम है, अगर आपने आना है तो जहूर लाई रोड पे एक टोटल का पंप है, टोटल के पंप के बिल्कुल साथ ही गली अंदर जा रही है, वहाँ पे टायर की शॉप के बिल्कुल साथ ही है, बाहर बोर्ड वगैरह नहीं लगाया हमने ना, मलंग लोग हैं बोर्ड लगाते नहीं है। पर वैसे ही मेरे ख्याल से इनसे सही नहीं होनी जितनी गाड़ियाँ आ जाएंगी अब, नहीं जो इनसे पहले आई वो कौन सी सही हुई है, वो तो आपके लिए उन्होंने प्यार मोहब्बत में खसूसी तौर पे शिवाले ने जल्दी कर दिया, नहीं तो अगर आप एवरी यही निकालेंगे इधर वर्कशॉप में खड़ी गाड़ियों की तो वो महीनों पे जाती है। वो चन्ना साहब आपकी गाड़ी डालें इधर व्लॉग में ताकि उसको बताएं, दो साल हो गए ने, कितने अरसे हो गए? हमें भी आ गई भाई हमारी मेहरान में वो नहीं है स्टेपनी, नहीं स्टेपनी भी लेनी पड़ेगी। हाँ वो लेनी पड़ेगी, उसे पूछते हैं दिल्ली के पास शायद घर पड़ी हो सीएनजी की वजह से निकाली हो। अच्छे डाले हुए अच्छा ये देखे जी ये यूरो 2 वाली गाड़ी इंजन का फर्क नजर आ गया, ये देखे आ गया होती है ना सर, ये देखे ये और ये सारा फर्क है। और इसका ये बड़ा औखा खुलता है, ये भी फर्क हमारी गाड़ी में ये भी नहीं है, यहाँ पे एक बॉटल लगी हुई है ना, ये EFI है, ये एयर इनटेक आ गया, ये एयर फिल्टर यहाँ पे है इसका, हाँ जी ये है इसका, एसी लगा हुआ है इसमें, एसी भी लगा हुआ है, एसी होगी ना, बट इसका ये पित्तल का है, दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल्स होने दी देखो ना। तो सर अब शिबाले ने बड़ा अच्छा काम किया है तो आप इनको मेहरान गिफ्ट करते हैं। केबल दे दी थी उस्ताद को, लगाई है नहीं एडवांस नहीं है, सही मिसिंग कर रही है जी उस्ताद जी, मिसिंग कर रही है सर अपने रियल ओनर को, मिसिंग कर रही है मुझे लग रहा है, दिल्ली को मिसिंग।
बहुत देर का ताल्लुक था, खुशबू नहीं आ रही अंदर समझ रहे ना, जलने की स्मेल नहीं आ रही साजी। सर लोग जल रहे होंगे ना, इतनी बेहतरीन मेरा गर्म हुआ है ना, तो दिस स्मेल आ रही है, पानी पूरी तेल से लग गया। हूं मैं जाता है तो साथ नाल गल कर ले। बिल्कुल जरूर, वो मास्टर है तू, मास्टर वो मास्टर साहब वो ने, तू पिछले बाई तो हाथ खिला रखे, मैं दसांगा सवाल उठे है, तू एवं चौके मारी जा रहे हैं जी। उस्ताद जी स्मेल किस चीज की है? अच्छा ये मेरी एक दफा खैबर बंद हो गई थी तो मैं मैकेनिक को बुलाया था, उसने भी ये उतार के ना स्टार्ट करके फिर लेके गया था। हवा क्या होता है, हवा बेहतर आ जाए, लेकिन ऐसे चलाएंगे इंजन में हवा चली जाएगी ना, गंदगी चला जाएगा, इंजन टैंक गंदा हो जाएगा। अंदर इंजन इसके ऊपर देखे ना, एयर क्लीनर लगा ताकि अंदर हवा गंदी ना जाए। बैलेंस कर रहे हैं, नॉक नॉक एनीबॉडी होम, अंदर से पैटल कहेगा मैं हूं। बैटरी के टर्मिनल के ऊपर भी वो लगा देंगे, अभी कैसे कहते हैं, जो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का ऊपर, नहीं इसके ऊपर वो लगाएंगे ग्रीस, ताकि इसके ऊपर वो ना है जो आजकल आई थी ना कार्बन। अच्छा मैं समझ रहा हूं फॉरेन ट्रिप लगा रहे हैं ये, देखेंगे अभी भाई ग्रीस लगाएगा ताकि कार्बन, क्या होता है करो ग्रीस का क्या काम, मुझे कार्बन नहीं आएगी, करंट अच्छा फ्लो करेगा। अच्छा अच्छा, ये नहीं होगी तो कार्बन आ जाएगा ऊपर, कार्बन आएगी तो फिर करंट पास नहीं करेगा, फिर बैटरी बैठ जाएगी, ऐसा ही है भाई जी। यस होगी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, अब एंजॉय करेंगे आप। अब मैं सबसे पहले पार्क व्हील्स पे जाके गैरेज पे अपनी राइड क्रिएट करता हूं और इसकी हिस्ट्री देखता हूँ मैंने क्या क्या। पहले लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। देखिए ना मैं आपको बताता हूँ उसका फंक्शन क्या है, अक्सर लोग जो है ना भूल जाते हैं, तो साथ साथ बताते रहना चाहिए। अच्छा ये जी आप गए पार्क व्हील्स पे, यहाँ से आप गए मोर पे माय गैरेज पे, ठीक है जी, ऐड राइड, एक मिनट, राइड टाइप कार, कीप इट प्राइवेट, राइड इन्फॉर्मेशन 2005 मॉडल। अच्छा बंदा जितनी मर्जी गाड़ियां डाले और प्राइवेट भी रख, प्राइवेट भी रख सकते हैं, सुजुकी ऑल्टो है, हाँ जी मेहरान है, मेहरान है, मेहरान, ठीक है जी, कीप इट प्राइवेट, सबमिट हो गया, राइड क्रिएट हो गई और इसके अंदर आप माइलेज वगैरह, ये लॉग शीट बनाएंगे, ऐड न्यू सर्विस एक्सपेंस किया, आज की डेट क्या है, आज की डेट डाली, अब हमने किया एयर फिल्टर डाला है, ऑयल फिल्टर डाला है, और क्या क्या डाला है हमने गाड़ी में, हर चीज डाल दी हमने तो, बैटरी रिचार्ज, बॉडी पेंट, बम्पर, मड गार्ड्स, वाइपर, इंजन में ऑक्सीजन सेंसर तो आता ही नहीं है इसमें, फ्यूल कैप, स्पार्क प्लग, कैटलिटिक कन्वर्टर, फ्लूइड लीक, फ्यूल फिल्टर, डीजल फिल्टर नहीं होता, कार फिल्टर, एयर फिल्टर होता नहीं, फाइन तो हमने दिए कोई नहीं, फ्यूल डीजल ये तो उसका ताल्लुक नहीं है, गियर का तो लोग मेंटेनेंस डालेंगे ना, सारी चीज़ें डालते हैं, इंटीरियर में आर्मरेस्ट, फ्लोर मैट सारा कुछ डाला ना, सीट कवर आर्मरेस्ट तो नहीं, आर्मरेस्ट था ही नहीं, डैश कवर, डैशबोर्ड आ गया, साइड कर्टन, बैक कर्टन, डोर लाइट्स, लाइट्स इंटीरियर लाइट्स, फ्रंट फॉग लाइट्स, रियर लाइट्स, फ्रंट लाइट्स, रियर फॉग लाइट्स, स्टीयरिंग उतार रहे हैं हमारी गाड़ी का, वो अंदर से उसकी सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी करने देखो टेंशन, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, सस्पेंशन तो ऑयल होता नहीं था लेकिन इस पर डल गया, फिर अदर आपने क्या क्या काम कराया, थर्मोस्टेट ये वो, बस कर दें बस, कराया कर, सस्पेंशन पूरी डाली है तो मैं अपना सर्विस रिकॉर्ड रख रहा हूँ ना मैंने क्या क्या किया है, टायर नए डले हैं, टायर चेंज हो गया, अभी सारा कुछ हो गया, डन किया। अच्छा ये अलाइनमेंट ठीक कर रहे हैं, हाँ, और इसकी कॉस्ट डाली तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास जो अंदाज़ा है इसका अभी तक मेरा ख्याल है 9000 वो 30 तकरीबन 1,00,000 रुपये लग गया हमारा, एक अंदाज़ा। टायर भी क्या दिए, टायर के हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप, टायर जो है 4, 12, 16 120 चले, 1,20,000 में टोटल गाड़ी आपकी पैक हो गई, कितनी चली है, 1,69,000। अच्छा बे का मतलब ये है सर, बिफोर एनीथिंग मुझे तो नहीं पता, साड़ी को लेगी नहीं ना। सर्विस नोट्स कंप्लीट, इसमें अब कोई भी काम नहीं होने वाला माशाल्लाह, अच्छा जी नेक्स्ट सर्विस जो है वो हम टाइम के लिहाज से भी लगा सकते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि उस पर हमने डाल दी, अभी हमें दोबारा जो है ना पार्क व्हील हमें बताएगा, अभी आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी गाड़ी जो होने वाली, ठीक है ये हो गया,
फिर दोबारा ये सारी चीजें डलवाएंगे? नहीं, और अब मैं अपनी गाड़ी की जो मेरी महरान डली हुई है, इतनी गाड़ियाँ डली हुई हैं, सारी डली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो महरान जो है ना इसकी तस्वीर भी डाल सकता हूँ मैं, शो ऑफ कर देते हैं यार, क्या है शो ऑफ राइट ऐड, ये ले शो ऑफ में तस्वीरें डालनी पड़ेंगी, अपलोड फ्रॉम गैलरी कर लेते हैं, हमारे पास गैलरी में इसकी खूबसूरत तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये लें जी, अपलोड फ्रॉम गैलरी होगी, ऐड फोटोज होगी, सबमिट हो गया और ये राइट जमा हो गई, रिफ्रेश टू लोड, बेहतरीन जी। तो ये सारी अब आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है इस पर मेंटेन होगी और ये आपको अगली जो सर्विस का बता देंगे। इतना ये देख लें, अब फिर पूछते ना कितना, मेरी जितनी गाड़ी है मुझे जुबानी याद नहीं रह सकते, मैं हर गाड़ी का लिख लेता हूँ कि मैंने सर क्या किया, तो इस तरह सारे लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे ऐप के अंदर, बहुत अच्छा वो फंक्शन है। हाँ तानू फ्री ऐसी लगी थी तो चली जा, इंजॉय कर रहे हैं सर, आवाज़ देखें चेंज होगी ना गाड़ी की, हमने जा क्या बात है सर, क्या बना भाई जान, ओके की बात आ गई, व्हील वगैरह सीधा किया अंदर से, आपसे बदला लेने आ जाए वो बंदा, अब इसका रह गया है, पहले इस पे सोता है वैसे जो पीछे के आ गए, हां जी सर, मैं पूरा आ सकता वैसे इसको, हां जी सर, ऑयल चेंज और ये बूट टेस्ट होते हैं उसके ऊपर भी ऑयल ऑयल भी चेंज होना, गियर ऑयल भी डालना है भाई, अच्छा मिला के दिया है क्यों सर जी, चले सर फिर हम इसको सुबह ही पिक कर लेते हैं या अभी वो शुरू हो जाए फिर निकलते हैं, फिर सुबह पिक कर लेंगे, बाकी काम तो हो गया ना, हाँ नट बोल्ट ऐड कर दो, मतलब आपका था मेन काम के छापा मार दें ताकि फौरन हो जाए, गाड़ी तो रेडी गाड़ी कंप्लीट हो गई, गाड़ी कंप्लीट सुबह ही ले जाए, अगर कोई छोटी छोटी कंप्लीट हो तो उठा दे, सिर्फ गियर ऑयल और इंजन ऑयल रह गया, निकालते कैसे हैं वो नीचे इसके ड्रेन नट होता है, और डालते कैसे हैं ये ऊपर डालने वाली स्टिक है, गियर ऑयल चेक कर सकते हैं इसमें स्टिक है, हाँ स्टिक है, अभी चेक करें जरा कितना है ऑयल है इसमें, ये रिंग स्टिक होती है, हाँ अल्लाह की कसम मेरा ख्याल था खाली डाल स्टिक नहीं है, इसको घुमाएंगे निकलेगा स्टिक ही होती है, उसके ऊपर लिखा होता है ना लेवल कितना, लेवल है इधर लेवल है, अच्छा ये भी होता है कभी कभी साजी होता है ना पुराना गियर, कितना है कम है पुराना गियर ऑयल जो होता है, अगर कभी कभी निकाल ले और गियर पुराना और नया डाल दे तो गियर जवाब दे जाता ना, उन गाड़ियों का जिनको मैकेनिकल होता है उनका इतनी जल्दी नहीं होता, नहीं इनका नहीं, मैं बड़ी गाड़ी की बात करूं, प्राटो क्रूडो ये वो बड़ी गाड़ियों को, एसी का कंप्रेसर लगा, एसी चालू हुआ नहीं, कंप्रेसर नहीं है, गियर ऑयल बहुत कम है, कम है बहुत कम है माशाल्लाह, हम गियर ऑयल लेके आए हैं पूरा, चार डब्बे लेके आए, चार डब्बे लेके आए, कितने बड़े डब्बे वाला कार दे बड़ी कम देख रहा है, गियर ऑयल निकाल लेना, पता नहीं कब का होना है, 10 लीटर बन गई है जी गियर ऑयल, 3 लीटर गियर ऑयल है और मोबल ऑयल लगा, 2.5 लीटर डलेगा इसमें, इकॉन का गियर ऑयल, चले जी चले, फिर हम सुबह कितने बजे आ जाएं, सुबह आ जाएं 11 बजे आ जाएं, अच्छा बाकी छोटी छोटी जो कलमे है ना फिर वो दोबारा एक दफा देख लें, सुबह एक दफा लगवा लीजिएगा, हाँ आके वेट ना करना पड़े, नहीं नहीं सुबह आपको इंशाल्लाह और मैं ये ले जाऊंगा, वो छोड़ जाऊंगा या सिविक छोड़ जाऊंगा, उसका लॉक का काम भी करना, ठीक हो गया, ओके भाई अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फाद भाई, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, टूटी लाई है खैरियत है, छुट्टियां गई होनी है, ओह गई होनी छुट्टियां, तो इंजीनियर लाना, और कार इज हियर, यार ये टिश्यू पीछे रख दें, ये तो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है मुझे, तो अब हम निकल रहे हैं, गाड़ी माशाल्लाह रेडी होगी, उन्होंने टेस्ट ड्राइव भी कर ली, उसका एयर फ्यूल मिक्सचर भी सेट हो गया, अब आखिर में सबसे एंड पे उन्होंने रखा था गियर ऑयल और मोबल ऑयल, गियर ऑयल वो डाल रहे हैं, मोबल ऑयल भी डाल रहे हैं, और अब आप कह रहे थे ना कि मैं क्यों उसको धो रहा था नीचे से, अभी मैं लाइट मारूंगा देखना गाड़ी कैसे चमक रही होगी नीचे से, ऐसे पता लगा था, मैंने देखा था अभी इधर आप कैमरे में भी दिखा सकते हैं जूम इन करके, अगर ये शीशा साफ हो तो, नहीं तो आपने साइड का शीशा नीचे खोल के फिर दिखा, गाड़ी खूबसूरत कितनी लग रही है सीरियसली, वाकई ऐसे फीलिंग आ रही है कि जरा ना, नहीं नहीं नई गाड़ी की खुशबू कहीं से मिलती, जिले को उठाएं 10 मिनट गाड़ी में अब वो खुश का मुझे नहीं पता नई गाड़ी की खुशबू यार वो अभी आप देखें सही, आपको मैं जब गाड़ी में बिठा के लेके जाऊंगा ना, ये नीचे का शीशा आपको नजर आए गाड़ी,
जब इसको लेकर डोमेन करके दिखाएं लोगों को, ये देखें ये देखें। ओह माय गॉड, सबसे खूबसूरत चीज अगर आप मानेंगे तो जो मैंने डिजाइनिंग की है ना कड़ों की, हाँ वैसे कड़े बहुत जरा गाड़ी बहुत उठी भी लग रही है, वरना वो गाड़ी थोड़ी बैठी बैठी लग रही। तो खैर ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि चूड़ियाँ और कड़े समझ रहे हैं ना, मतलब कहाँ ब्यूटी जो है ना वो हुसन के अंदर एडिशन होती है। दुल्हन की तरह लेके जाएंगे, हाँ सजी सजाई है खूबसूरत। मैं लेकिन आई वाली वीडियो गाड़ दूंगा, ये लगा दूंगा। आज गाड़ी को देख के दिल खुश हो गया, मजाक के अलावा होता ना कि आउटपुट आती है। देखिए ये भी मेहरान खड़ी है, इसको बम्पर भी डिफ्यूजर लगा दिया, लेकिन इसकी और उसमें कितना फर्क है, बड़ा जमीन आसमान के बारे में। ये गारंटी दे सकता हूँ किसी को ना पता हो कि उसका पार्क व्हील से, जिले से, मेरे से, आपसे कोई ताल्लुक है, आप किसी एक रैंडम बंदे को देके गाड़ी सड़क पर चढ़ा दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको थम्स अप मिलेंगे उस गाड़ी। चलें सर चेक करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, रिएक्शन चेक। हाँ ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, मतलब मेरा दिल खुश होता है मैं सड़क पर जा रहा हूँ कोई अच्छी गाड़ी नजर आए, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि भैया क्या माल गाड़ी है। तो ये उस तरह की एक गाड़ियों में से गाड़ी के स्टैंड आउट करेगी कि किस मॉडल की है, क्योंकि नंबर प्लेट जो होती है ना 10, 11, 12 तो नहीं होती है, ये तो पुरानी वाली नंबर प्लेट है, 5 मॉडल है, नजर आएगी लोगों को भी 5 मॉडल की गाड़ी ब्रांड न्यू कैसे आएगी, सीटें भी नहीं है, शीशे शीशे हर चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी है। तो अभी इसको और एडिशन करते हैं, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी, इसका इंडिकेटर मुझे LED टाइप लग रहा देखें, है ना, ऐसे इंडिकेटर डालते हैं LED है। सर एक और इंडिकेटर कैसे पता लगता है कि खराब हो गया, अंदर स्पीड तेज हो जाती है कोई भी बल्ब अगर खराब होगा तो, क्योंकि सर्किट है ना, फिजिक्स पढ़ी हुई आपने, सर्किट अगर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो जल्दी ग्लो करना शुरू कर देगा। अगर आपके अंदर जब कोई भी गाड़ी का अब इंडिकेटर देते हैं और टिक 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 स्पीड में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो बिजनेस के स्टूडेंट हैं आपको नहीं पता होगा। मैं सर जो है ना प्री इंजीनियरिंग की है मैंने FSC में, और उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी एक महीना जेर तलीम रहा हूँ। सर मैं भी प्री इंजीनियरिंग की ओ लेवल तक, उसके बाद मैं तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी एक महीना जेर तलीम रहा हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। आप फिर मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊँ, अगर आप भी गाड़ी रिस्टोर करना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ लो प्राइस्ड का एक सेक्शन है, एक चीप कार का सेक्शन है। लोग चीप को बुरे कनोटेशन में देते हैं, अफोर्डेबल कार्स और वेरी अफोर्डेबल कार्स, ये हम आज जाके फीडबैक देंगे। दिल खुश हो रहा देख के सेंटर हो गए, वैसे गंदी हुई से वाटरलेस वॉश से साफ, लेकिन वाटरलेस वॉश तो कर लेगा, लेकिन आप देखें गाड़ी साफ है, पता लगता है कि किसी ने दिल से रखी। अच्छा मजे की बात है, लोग कहते हैं कि पैसे होने चाहिए तो गाड़ी अच्छी होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की गाड़ी इसमें बेचारे में के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, बट साफ रखी हुई ना खूबसूरत लग रही है, जो अपनी फॉर्म में है अच्छी चीज़ है, इससे ऐसा लगता है कि आपको दर्द है। मुझे तो मतलब मैं अगर किसी गाड़ी गंदी देखूँ ना मुझे लगता है वो बंदा नफीस नहीं है, जिस बंदे ने गाड़ी साफ सुथरी रखी होगी वो नफीस आदमी होगा। जैसे कि आप मेरी गाड़ियाँ देख ही रहे हैं और पहले जिनके पास गाड़ी थी आपने वो भी देख लिया है, नफीस भाई, नफीस हमारे नफीस भाई। सो व्यूअर्स आई होप एंजॉय कर रहे होंगे, लो प्राइस कार आपने खरीदने गए हैं तो पॉपअप बैनर पर क्लिक करें, वो वहाँ के जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक होता है, अक्सर लोग कहते हैं पॉपअप बैनर नहीं लगाते तो वहाँ मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, वहाँ आपको बिहाइंड द सीन्स इसके मिल जाएंगे, और बहुत सारे हमारे टिकटॉक्स पे अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है, जिले बना रहा है तो उसका कॉन्टेंट जिले का आप टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, और पार्क व्हील्स को फेसबुक पे भी फॉलो करें और ऐप डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू सो मच सड़कों में फरहान साहब को फॉलो करें, और ये अचानक सेकंड लास्ट एपिसोड बन गई, इसके बाद लास्ट एपिसोड होगी तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लास्ट एपिसोड जो है ना वो बहुत जबरदस्त किस्म की होने वाली है। अल्लाह हाफिज़ जी।